ये सेलिंग वैली की तरफ जाते हुए रास्ते में दो दरख्त आते हैं, बड़े मशहूर दरख्त हैं। इसमें से खासियत इनकी ये है कि इन दोनों का कलर चेंज होता है। दरख्त एक है लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे तो एक ग्रीन दरख्त है और एक जो है वो ऑटम की तरह थोड़ा सा येलोइश है। इसी के साथ ही अब हमें सामने हेल्दी कॉर्न्स नज़र आ रही हैं। बादल काफ़ी ज़्यादा हैं कैमरे में, पता नहीं सही तरह से नज़र आ रही हैं कि नहीं। अगर बादल हटते हैं तो फिर इसका बड़ा ज़बरदस्त क्लियर व्यू नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल पासू कॉर्न्स की तरह हेल्दी कॉर्न्स बनी हुई हैं और बहुत क्लोज़ व्यू है इसका इस वक्त हमारे सामने। सीलिंग वैली आपने देखी पहले, सारी सीलिंग वैली थी। अब हम लोग ये टेलिस वैली आ गया है, सीलिंग वैली से आगे यहाँ पे आ गए हैं। तो ये गाड़ी जो है ब्रिज क्रॉस करने लगी है, उसकी कवरेज के लिए ब्रिज से गुजरते हुए गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं बाहर से। बाकी रास्ता आपने सारा थ्रू आउट देखा है, कच्चा पक्का रास्ता था, पहाड़ों के बिल्कुल दामन के साथ साथ जाने वाला रास्ता था। बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। ये पानी ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर का पिघल के, पानी की आवाज़, ये ब्रिज, यहाँ से पानी गुजर रहा है, पीछे बर्फ़ की पीक्स हैं सारी। यहाँ से हम गुजर के आए हैं, गांव है बड़ा अच्छा। ये अभी हम लोग यहाँ पे बाशापरम व्यू पॉइंट पे रुके हैं। बाशापरम नज़र नहीं आ रहा, बादल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें तो कैसे व्यूज़ हैं, कैसी पीक्स हैं। नीचे दरिया का व्यू है, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। बाशापरम जो है वो जो ये वाली पीक्स हैं इनके पीछे है, लेकिन वेदर क्लीन नहीं है इसलिए बाशापरम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सामने बोर्ड लगा है बाशापरम व्यू पॉइंट कैफे कोंडे कैंडी, फोटो शूट हो रहा है। कांदे विलेज पहुंच गए हैं, हवा भी चल रही है, धूप भी है। जंगल के बीच तंग पथरीला रास्ता हमें लेके जा रहा है गुशे वैली की तरफ। ये हम लोग गुशे वैली की तरफ गामजन है, गाड़ी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। सामने बाइक पे आए हैं मुकामी लोग हैं यहाँ के, वो गाइड कर रहे हैं गाड़ी किस तरह से निकाल के लेके जाए। ये गुशे में एक होटल हमें मिला,
यहाँ से खाने पीने को कुछ मिलेगा। यहाँ पे जाके होटल का पता करते हैं खाने में क्या है। सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। आर्ट गैलरी बनी हुई है, लोग जो जाते हैं आगे आशापुरम या गेटू वगैरह पे वो पत्थर अपने यहाँ पे रखते हैं। इस वक्त शाम हुई है, आशापुरम पीक हमारे सामने थोड़ी थोड़ी नमूदार होनी शुरू हो गई है। ड्रोन से भी कैप्चर किया, वो भी एरियल शॉट भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ इसके, आप इंजॉय करें। ये हमारे होटल की बैक साइड का व्यू है और यहाँ से हमारा ये होटल है, यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। चलें जी, अब यहाँ से अपने होटल को खैराबाद कहने का जो टाइम है वो आ गया। हमने यहाँ पे सारी रात स्पेंड की है। ये सुबह हो गई है, यहाँ पे लैला पीक की रवानगी के लिए सारे इक्विपमेंट वगैरह इन्होंने तैयार कर लिए। तो ये लोग यहाँ से लैला पीक जो है वो क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। स्की का सामान भी है इसमें। अब मिलेंगे हम अगले किसी नए एपिसोड में नई डेस्टिनेशन के साथ। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको देते जाएं कि हम लोग हुशे से वापस यहाँ पे कांदे आ गए हैं। तो पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं व्यू, नगमा वैली का व्यू है। बड़ी हाईली रिकमेंडेड वैली है कि आप नगमा वैली जाएं अगर आप यहाँ पे कांदे आते हैं तो। लेकिन हम लोग भी जाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग ऑफ सीज़न इस तरह से आए हैं कि हम लोग अक्टूबर में आए हैं और पोर्टर ने हमें गाइड किया कि भाई आप लोग ना जाएं, ऊपर बड़ी स्नो है, आप लोग मैदानी इलाकों से आए तो आप लोग तो वहाँ पे कैंप में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई पक्के होटल इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने जाना है तो आपने वहाँ पर जाके जो है नगमा वैली में कैंप लगा के रहना है। तो यहाँ से भी नगमा वैली का व्यू नज़र आ रहा है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम लोग जाएँ, लेकिन अब प्लान यही कर रहे हैं कि कहीं अगस्त सितंबर में अक्टूबर में तो हम लोग नहीं जा सकते, तो अगस्त में कहीं आएँ। तो वो भी बॉर्डर भी कह रहे हैं कि आप अगस्त में आएँ दोबारा, तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर ज़रूर आएंगे, नगमा वैली हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ से नगमा वैली को हाथ हिला लेते हैं